टुडे वी विल टॉक अबाउट द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द रिजर्वेशन टसल इन छत्तीसगढ़। व्हाई दिस इज इन न्यूज, टुडे इज 24th November एंड टुडे छत्तीसगढ़ कैबिनेट अप्रूव्ड अ डिसीजन रिगार्डिंग मोस्ट अवेटेड एंड अभी तक जो टसल चला हुआ आ रहा था रिजर्वेशन रिलेटेड, उस पर एक नया पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। उस पॉलिसी में क्या है कि स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए 13% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 32% का, ओबीसीज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जहां पर आकर के हमारा मुद्दा अभी तक फंसा हुआ था उसका सॉल्यूशन मिल गया है, 27% इन्हें दिया जाएगा। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 4% का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बनाया गया है। इस नए पॉलिसी को आज कैबिनेट के मीटिंग में लेड बाई सीएम मिस्टर भूपेश बघेल अप्रूव कर दिया गया है। अब देखते हैं कि अगला जो हमारा स्पेशल सेशन आने वाला है 2nd December नेक्स्ट मंथ में, 8-10 दिन बाद, उसमें देखेंगे कि ये अप्रूव जो हुआ है उसे कितनी जल्दी से पास किया जाता है। ऑब्वियसली जल्दी पास हो ही जाएगा क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट अभी मेजोरिटी में है। तो देखना यह है कि ये हमारा टसल का पॉइंट बना हुआ क्यों था, क्योंकि जिसकी वजह से अभी सारे वैकेंसीज रुके हुए हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आने वाले थे, और इससे पिछले जो वैकेंसीज आए थे जिन पर एग्जाम्स हुआ था उनके रिजल्ट्स को भी अभी तक विथहेल्ड कर दिया गया है। तो इसका रीज़न ये था कि September 2022 में हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने जो इससे पहले का पॉलिसी था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आइए एक बार देखते हैं पिछला पॉलिसी क्या था। पिछला पॉलिसी 2012 में रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज किया गया था, जिसमें स्केड्यूल्ड कास्ट के लिए जो पहले से 16% था उसे रिड्यूस करके 12% किया गया था, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो 20% था उसे इंक्रीज करके 32% किया गया, और ओबीसीज के लिए 14% के क्राइटेरिया को रिमेन रखा गया। उस समय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कंसेप्ट नहीं आया था तो हमारे पास ये क्राइटेरिया थे। इस वजह से टोटल रिजर्वेशन का जो लिमिट था वो 50% को एक्सीड करके 58% तक चला गया था। इस पर हाईकोर्ट में जब डिबेट हुआ तो इसे हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को 50% से एक्सीड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अनटिल एंड अनलेस वो पॉलिसी 9th schedule में इंक्लूड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। जब तक 9th schedule में नहीं जाएगा तब तक मोर देन 50% नहीं कर सकते, जैसे तमिलनाडु में मोर देन 50% क्राइटेरिया है क्योंकि वो स्केड्यूल 9th में इंक्लूडेड है। इसी सिक्वेंस में अभी झारखंड में भी यही सेम चीज़ हुआ है, और वहाँ की विधानसभा गवर्नमेंट ने इसे पास किया है, और फिर अब देखना है कि उसे 9th schedule में कब इंक्लूड किया जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाला है कि पहले इसे स्पेशल सेशन में पास किया जाएगा और फिर वेट किया जाएगा कि 9th schedule में कब इंक्लूड होता है। तो देखना यह है कि September 2022 में इस 58% के क्राइटेरिया को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, असंवैधानिक करार दिया गया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच। अब ये डिवीजन बेंच क्या होता है, हिंदी में से कहा जाता है खंडपीठ। इससे पहले होता है एक सिंगल बेंच, एकल पीठ, डिवीजन बेंच, खंडपीठ, उसके बाद तीसरा होता है फुल बेंच, पूर्ण पीठ जिसे कहा जाता है सिंगल बेंच, और एक और है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये बेंच कहने का मतलब यह है कि किसी भी केस के हियरिंग के लिए जो भी जितने भी ऑनरेबल जजेस वहां पर बैठे होंगे उनके नंबर के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। अगर सिंगल जज किसी केस को हियरिंग कर रहे हैं तो उसे सिंगल बेंच कहा जाएगा, एकल पीठ, डिवीजन बेंच तब कहा जाएगा जब वहां पर दो जजेस बैठे होंगे डिवीजन बेंच या फिर खंडपीठ। फुल बेंच का मतलब यह है कि जब 3 जजेस एक साथ बैठ जाते हैं किसी भी केस के हियरिंग के लिए वो होता है फुल बेंच। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होता है जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर, किसी भी संवैधानिक मुद्दे को की सुनवाई के लिए, जिसकी संख्या
पांच या फिर पांच से ज्यादा होती है, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर में ही होगा, क्योंकि अगर जजेस का जो ओपिनियन है, उनका जो डिसीजन है, वो ऑड नंबर होने की वजह से ही टाई अप होने के चांसेस नहीं होंगे, जिसकी वजह से पर्टिकुलर एक डिसीजन दिया जा सकता है। तो ये थे हमारे बेंचेस से रिलेटेड, ये छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस क्राइटेरिया को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था सितंबर, अभी 2 महीने पहले 2022 में, जिस पर अब डायरेक्ट किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि आप कोई नई पॉलिसी लाइए, उसके आधार पर फिर रिजर्वेशन के नेक्स्ट जो अगले वैकेंसीज होंगे या फिर रिजल्ट्स होंगे उन सबको उसके आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि ये कैबिनेट क्या है। अगर सेंट्रल कैबिनेट की बात करें तो आर्टिकल 74, देखिए ये अभी न्यूज़ में है कैबिनेट वाला टर्म और ये बेंचेस वाला टर्म, हाईकोर्ट के बेंचेस, तो इन सब पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे एग्जाम्स में, आने वाले किसी भी एग्जाम्स में बन सकते हैं, इसलिए इस मैटर को यहाँ पर लाया गया है। आर्टिकल 74 और 75 डील्स विद द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स, और आर्टिकल 165 ये दो आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैबिनेट से रिलेटेड हैं। कैबिनेट से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं, जो डिफाइन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होगा। वो ये है कि 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप, इस क्राइटेरिया को इंक्लूड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, कि द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड फ्रॉम द 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप कहने का मतलब यह है कि विधानसभा या फिर लोकसभा के कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या को, मंत्रिमंडल की संख्या को 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी में का एक कोर ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट ग्रुप, या फिर कैबिनेट जो कि मिल करके बना होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स से। तो ये हमारा वेन डायग्राम अगर बनाएं तो ये है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि 15% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस होगा, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनका एक ग्रुप बनेगा जिसे कहा जाएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इससे भी एक छोटा होता था उस समय जब 90s के डिकेड में जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी, किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता था, बहुमत में नहीं आते थे, तब उस समय इस कंसेप्ट को लाया गया था किचन कैबिनेट का। अभी इसका यूज़ नहीं है क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो सब मेजोरिटीज़ में ही है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और किचन कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस वीडियो को हम लोग, मतलब इस टॉपिक को हम लोग और अच्छे डिटेल से हमारे पॉलिटी के सेशन में हम लोग देखेंगे, पॉलिटी के वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर कोई भी मुद्दा न्यूज़ में है तो उस सिर्फ उस मुद्दे के पीछे नहीं भागना है या उस पर अननेसेसरी बहस में नहीं जाना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीरियसली तो आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स और उससे रिलेटेड कंटेंट्स कि वो किस तरीके से पॉलिटी से जुड़ा है या फिर इकोनॉमी से जुड़ा है, हिस्ट्री से जुड़ा है, ज्योग्राफी से जुड़ा है, उससे रिलेटेड अपडेट्स को हमें देखना है और उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना है। ये हमारा टॉपिक था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले और हाई कोर्ट वाले टॉपिक से रिलेटेड था। एक अमेंडमेंट भी आए थे इसमें, इस टॉपिक से रिलेटेड था। तो इतने पॉइंट को यहाँ पर हमें देखना था। इसके पॉलिटिकल डिबेट में बिल्कुल इंडल्ज मत होना अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करना है। तो ये था आज के वीडियो में, आज के सेशन में। इसी तरह के हम और भी अपडेट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड लाते रहेंगे। हमारा एक सीरीज चल ही रहा है जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो आपके सीजी छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीजीपीएससी हो, वेपम से रिलेटेड हो या फिर एसआई भर्ती से हो, उन सब से रिलेटेड छत्तीसगढ़ के लिए करंट अफेयर्स आपके लिए वीडियोस प्रॉपर डल रहे हैं इस तरीके से। और जो जो भी मुद्दे होंगे उन्हें हम बीच बीच में लाते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो कैसे लगा आप अपना फीड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के दीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, नहीं लगा तो भी बताइए कि इसमें और हम क्या अपडेट कर सकते हैं या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।